ये देखिए आज तो बहुत ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। मैंने सोचा कुछ फ्लावर प्लांट लगाए जाएं। जून में कौन कौन से फ्लावर लगाएं, और वही आज का मेरा टॉपिक वही डिस्कस करने वाले हैं। आज ये देखिए मैं येलो कलर का एक्जोरा लिया है मैंने, और एक है ये रेड, ये देखिए रेड है, और एक ही नया मुझे प्लांट मिला। ये देखिए इसमें ये घंटी प्लांट बोलते हैं, अभी तो खिला नहीं है, ऐसे मतलब नीचे को ही रोटेट करती हैं। इसका जो फ्लावर है रेड कलर का, काफ़ी खूबसूरत था, अभी इसमें बड़ है और अभी खिला नहीं है। और ये एक मैंने लिया है मंडे विला, ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छा है, कितना बुशी और काफ़ी कितना हेल्दी प्लांट है। तो मंडे विला और दो मैंने लिए हैं, ये देखिए एक बेल वाला है और ये एक बुशी है, दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, हेल्दी प्लांट है। तो कैसा सॉइल मिक्सचर बनाना है, और मेरी वीडियो के साथ बने रहिए, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मैं सॉइल मिक्सचर बनाती हूँ, और ये देखिए सॉइल मिक्सचर मैंने क्या क्या बनाया है। गार्डन सॉइल ली है मैंने 1 पार्ट, और 1 पार्ट लिया है मैंने सैंड। अब हम इसमें मिलाते हैं, एक पार्ट में मिलाती हूँ गोबर की खाद, क्योंकि 5 गमले मुझे भरने हैं, ठीक है। और इसके बाद हम ये देखिए बोन मील मिलाते हैं हम, क्योंकि सभी फ्लावर पॉइंट फ्लावर्स हैं तो बोन मील काफ़ी हेल्दी प्लांट है। एक एक मुट्ठी 5 गमलों के हिसाब से मैं डाल देती हूँ। और जैसे ये देखिए नीम खल, इससे कोई भी फंगस वगैरह नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी हमारी बहुत काफ़ी जगह से आती है ना, तो कोई भी फंगस लगने का डर रहता है। तो मैं 5 मुट्ठी इसमें नीम खल मिला रही हूँ, ये देखिए। और हमें वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर बनाना है। और एक चीज़ मैं सीक्रेट और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मेरी वीडियो के साथ बने रहिए, और देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, अभी मैं बताती हूँ ये क्या चीज़ है। इसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है, देखिए ये मेरा केले का स्टेम, जो बंदरों ने बिल्कुल ही कल उखाड़ दिया था, क्योंकि केले में इतना ज़्यादा पोटेशियम होता है उसके तने, उसके फल में, उसके पत्तों में, तो ये हमारे लिए वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए मैंने इसको ऐसे, जो केले का तना था उसको ऐसे ऐसे चॉप कर लिया, छोटा छोटा चॉप करके अब मैं इसको, ये ऐसे मैंने चॉप कर लिया है छोटा छोटा, अब मैं इसको, ये देखिए अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सभी अपने गमलों में डाल रही हूँ, क्योंकि ये हमारा इतना अच्छा पोटेशियम रिच, क्योंकि हमारे सभी फ्लावर वाले प्लांट हैं ये, तो उसमें मैं ये डाल रही हूँ। अब उसके ऊपर जो हम ये सारा डीकम्पोस्ट हो जाएगा, जो हम इसको डाल रहे हैं ना, सभी डीकम्पोस्ट हो जाएगा, फिर उसके ऊपर से हम प्लांट लगाते हैं। वैसे भी हम बनाना पील फर्टिलाइज़र देते ही हैं, तो ये जो टूट गया था उसको मैंने चॉप करके अब सब डीकम्पोस्ट हो जाएगा गमले के अंदर। अब मंडे वाला का मैं जो प्लांट्स लगा रही हूँ, ये देखिए दोनों उंगलियों के बीच में इसको ऐसे पकड़िए और ऐसे टैप कर दीजिए इसको, देखा बिल्कुल रूट बॉल हमारी ख़राब नहीं होनी चाहिए जब हम किसी भी प्लांट को जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो प्लांट हमारा शॉक में जा सकता है। तो एज इट मैं इसको ऐसे रख रही हूँ, देखिए अब इसको हम फिल कर देते हैं। जो हमने केले के तने जो काटे थे, जो उसका अब वो सब अंदर जो मैंने बीच में रख दिया है, उसको सब डीकम्पोस्ट हो जाएगा, और बहुत अच्छा सॉइल मिक्सचर तैयार हो चुका है, ये देखिए। क्योंकि ये मेरा पॉट है करीब 12 12 इंच का, और करीब हम 4 इंच का इसके लिए इसे टैप कर दिए, ताकि एयर पॉकेट ना रहे, थोड़ा सा टैप कर दीजिए इसको। बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर बना है इसमें। गाइस जब भी आप प्लांट लगाइए, या अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग, मतलब धूप में कभी भी मत लगाइए, इससे मतलब एक आपके प्लांट में शॉक लग सकता है,
इसलिए देखिए काफ़ी हेल्दी रिपोर्टिंग हो चुकी है मेरी। और एक मेरा गमला खाली रह गया, अब मैं इसमें वो लगाने वाली हूँ मोगरा, जो अभी टेरेस पर रखा हुआ है, मैंने शिफ्ट नहीं किया है। और बाकी रिपोर्टिंग हो चुकी है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में करीब हाफ डे सनलाइट रहती है और टेरेस पे तो फुल डे सन रहता है, वो बहुत ही हार्डी। और उसमें मेरे प्लांट ज़्यादा मतलब शेड एरिया में रखना, क्योंकि ग्रीन नेट नहीं लगा हुआ है, इसलिए मैंने इसको ये देखिए। और नेक्स्ट, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है, दोनों टाइम शावरिंग की ज़रूरत पड़ रही है इनको, प्लांट को, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर अभी 44 है। तो फिर मिलती हूँ किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।